चाहिए किसी को। अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, बनकर विश्वामित्र राष्ट्र का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से महलों से छुड़वाना पड़ता है। अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा मंथन की कीमत भरता है। वो व्यक्ति जो तय करता है कि मुझे अमृत लाना है, उसे पहले विष पान करने की तैयारी करनी पड़ती है। और ये देवों से नहीं होता, ये तो कोई महादेव ही कर सकता है। मंदराचल की मथानी बनाई गई, डूबने लगे हुए मंदराचल वासुकी की रस्सी बांधी गई, सुरों असुरों को मिलाकर मंथन होगा। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि दुष्ट लोगों का भी उपयोग कर लेना चाहिए। उद्योग तो सब मिलकर ही करेंगे। कई बार सज्जन बहुत अच्छे होते हैं लेकिन किसी काम धाम के होते नहीं। अब छोटी मक्खी का शहद लगा के चाहते क्या उनकी सज्जनता को, क्या करें? सज्जन है पर निष्क्रिय है, बताओ क्या करें? अच्छे हैं, भले हैं, पर किसी काम के है नहीं। बड़ा चालू है, बड़ा चतुर है, बड़ा काम करता है, बड़ी करामात दिखाता है, पर दिल का अच्छा क्या करोगे भैया? सब में सब तो गुण होते नहीं। हजारों टनों मिट्टी हटाई जाती है देवियों, एक तोला सोना पाने के लिए हजारों टनों मिट्टी हटाई जाती है, एक तोला सोना पाने के लिए। इसलिए जिसमें जो सद्गुण है वो देख लो। इस कथा के मर्म को समझिए जरा। उद्योग निरत होना होगा। अगर अमृत की तलाश है तो सबको मिलकर शामिल होकर प्रयत्न करने होंगे। कोशिशें जारी रख, कोशिशें।